थे कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब नेहा, आई स्पेंट 4 डेज 80 आवर्स इनसाइड द ट्रेन। ट्रेन जर्नी हमें दोबारा से मिल गई है, हमारी फेवरेट है ट्रेन्स इंडियन, सो हम देखने लगे हैं जो फिर से ट्रेन जर्नी का, देखते हैं कि इनके एक्सपीरियंस कैसे रहता है। ठीक है जी, डिस्कस करते हैं। सो आज हम ले आपके लिए एक न्यू ट्रेन जर्नी। सो हम देखने लगे हैं ट्रेन जर्नी भी 4 डेज की। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं जब वीडियो एंड होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं अनीशा और आप देख लगे पूरा भारत। अगर आपको सस्ते में घूमना है तो आपको भारतीय रेलवे का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे सस्ता कुछ भी नहीं। तो एक बजट ट्रैवलर होने के नाते मैंने ट्रेन में बहुत सफर किया है, लेकिन आज जिस ट्रेन में सफर करने वाला हूँ शायद ही मैं अपने लाइफ में ये सफर दोबारा करूंगा। इंडिया में सबसे लंबी दूरी तय करने में इस ट्रेन का रैंकिंग है फर्स्ट, वहीं पूरे वर्ल्ड में इसका रैंकिंग है 24th। ये ट्रेन अराउंड 75 घंटे में 4219 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस ट्रेन को 2013 में स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 22504। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से खुलती है जो कि असम में है और कन्याकुमारी तक जाती है। इस ट्रेन के अंदर मैं 4 दिन बिताने वाला हूँ, वो भी स्लीपर क्लास में, जहाँ आपको भारत के हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। इस ट्रेन जर्नी के दौरान जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं गणेश भवन का नाम लेकर, गणपति बप्पा मौर्य। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 22504 डिब्रूगढ़ से चलकर गुवाहाटी न्यू कुछ बिहार के रास्ते कन्याकुमारी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 19:25 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। धन्यवाद। ट्रेन बोर्ड करने से पहले मैं कुछ लोगों से बातें करता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। तो कुछ लोगों का रिप्लाई आता है कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी है। लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, तो उनको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता, फिर ये लोग गूगल करते हैं। सच बताऊं तो कुछ दिन पहले भी मुझे यही लगता था, जब तक कि मैंने मंकी मैजिक का एक वीडियो नहीं देखा था। आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खैर फाइनली मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ और ट्रेन बोर्ड करते ही मैं खुशी से झूम उठता हूँ, क्योंकि मुझे मिला था मेरा मन पसंद सीट। अब देखो मुझे सीट तो अच्छी मिली है, लेकिन अब देखना यह है कि मेरे को पैसेंजर्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि भाई इतनी लंबी सफर में सीट भी मैटर करता है और को पैसेंजर्स भी मैटर करते हैं। उस टाइम के बाद आगमन होता है ये दो दीदी का, लेकिन ना जाने क्यों ये थोड़ा परेशान दिख रहे थे। फिर मैं जब इनसे पूछता हूँ तो ये बताते हैं कि हमने तो सोने वाला सीट बुक किया था, लेकिन हमें तो सिर्फ बैठने को सीट मिला है। एक्चुअली ये लोग स्लीपर क्लास में फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और इनको मिडिल बर्थ अलॉट हुआ है, इसलिए इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि मिडिल बर्थ को सोने के लिए ऐसे सेट किया जाता है। फिर मैं इनका बर्थ ऐसे सेट करता हूँ और इनको बताता हूँ कि ये सीट आपका है और आप इस पर सो कर जा सकती हैं। एंड यू नो व्हाट, आफ्टर नोइंग दिस दे बिकम वेरी हैप्पी। सोच रही कि कैसा सीट दे दिया मेरे को, बताओ तो जरा। अच्छा भैया लोगों को भी कॉल कर दिया? नहीं नहीं, वो लोग कॉल किया था, पूछ रहा है कैसा सीट मिला है। पूछ रहा था। तो आप लोगों ने बोला बैठने वाला सीट मिला है, सोने का नहीं मिला, पैसा सोने वाला ले लिया। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, पहली बार होता है। ठीक है दीदी, लोग केरला जा रही है डिब्रूगढ़ से, डिब्रूगढ़ से। फिर मैं अपने सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। अब देखो मैं सोने ही वाला होता हूँ, तभी मुझे सुनाई पड़ती है कि रात को ट्रेन में जूता चप्पल चोरी हो जाता है। ऐसा सुनते ही मेरा ध्यान अपने जूते पर जाता है, फिर मैं वो करता हूँ जो मैं जब दूसरों को करते हुए देखता था तो काफी हंसता था। अगली सुबह उठते ही मुझे एक बैड न्यूज मिलती है कि हमारे कोच में पानी नहीं आ रही है। फिर मैं प्लेटफॉर्म पर ब्रश करता हूँ और रेलवे को वाटर इश्यूज को लेकर कंप्लेन करता हूँ। वॉशरूम में पानी नहीं है मैम, ना बेसिन में पानी है। वैसे ये बच्चा काफी टाइम से रो रहा था, फिर जैसे ही मैंने इसे अपने गोद में लिया ये पता नहीं क्यों चुप हो गया। अब दादी है, दादी गोदी में से मेरे गोदी में आ गया, चुप हो गया। शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि 1.54 मिलियन पीपल वर्क करते हैं इंडियन रेलवे के लिए, मतलब इतने लोगों का घर चलता है इंडियन रेलवे की वजह से। खैर ये तो आंकड़ा बस उनका है जो इंडियन रेलवे के लिए वर्क करते हैं, लेकिन ना जाने कितने और ऐसे लोग हैं जिनका घर इंडियन रेलवे की वजह से चलता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ लोग नाबालिग बच्चों को घर चलाने का साधन बनाते हैं और ये आंकड़ा डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गया है जब एक बच्चा किसी से कुछ मांगता है तो बहुत कम लोग ही मना कर पाते हैं। खैर दोपहर को मैं और ये दोनों दीदी लूडो खेलते हैं और जो भी हारेगा गाना सुनाएगा। मैच के शुरुआत में मुझे पूरा विश्वास था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। भाई देखो कितना बुरा लगता है, दिखाता हूँ अभी मैं। लेकिन वो कहते हैं ना, पासा कभी भी पलट सकता है। भाई मेरे साथ अभी काफी बुरा हुआ यार। भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। कौन आ रहा है दीदी? मैं आ रही।
मेरे हारने के बाद सारे को पैसेंजर्स एकजुट होकर गाना सुनाने को कहने लगते हैं। अब देखो गाना गाने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चलती ट्रेन में कभी मुझे गाना गाना पड़ेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर फाइनली मैं एक गाना गाता हूँ। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, बस नानी तो जिंदगी चलो फिर से। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। थैंक यू सो मच। मैंने इतना अच्छा गाया लेकिन आपने ताली नहीं बजाया। अरे आप ही को बोल रहा हूँ जो अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। खैर मेरे को पैसेंजर्स ने ताली बजाया। शाम को सारे को पैसेंजर्स को बिस्कुट खिलाकर मैंने उनसे जान पहचान कर ली ताकि मेरा आगे का सफर बोरिंग ना हो। और इस तरह से डे टू की समाप्ति होती है। अगर इतनी भीड़ देकर आपको लग रहा है कि ये जनरल क्लास है तो आप गलत हैं। ये स्लीपर क्लास ही है और ये मेरा ही कोच है। जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं सोचा क्यों ना बाहर जाकर फेस धो लिया जाए, लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर निकल पाता ट्रेन स्टेशन से खुल जाती है। भाई कल रात से ये पंखा, मतलब पूरे कंपार्टमेंट का पंखा बंद है भाई। पंखा नहीं चल रहा, गर्मी इतनी लग रही है, क्या बताऊं। अभी मतलब आज मेरे को थोड़ा सा ना क्या बोल सकते हैं, सफोकेशन हो रहा है यार, मेरे को घुटन जैसा हो रहा है, मन कर रहा है निकल जाऊं मैं ट्रेन से। कल तक बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन आज ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई है, पानी की कमी है, पंखा नहीं चल रहा है। अब आप बोलोगे कि जब पानी ही नहीं था तो मैंने ब्रश कैसे किया, तो मैं ब्रश बॉटल के पानी से करता हूँ। देखो बॉटल के पानी से ही कूद हो रहा हूँ और वॉशरूम दूसरे कोच का जाकर यूज करता हूँ। सच बताऊँ तो आज मैं थोड़ा सैड फील कर रहा था, लेकिन फिर मैं खुद को थोड़ा समझाता हूँ कि मैं इस ट्रेन का सफर इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद अनुभव कर पाऊँ कि आखिर कुछ लोग चार दिनों तक इस ट्रेन में सफर कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे को वापस एक कंप्लेन करता हूँ, लेकिन इस बार फैन के लिए। और दोपहर को वापस मैं लूडो खेलता हूँ, लेकिन इस बार इनके साथ। और ये गेम थोड़ा रिस्की था, रिस्की इसलिए क्योंकि जो हारेगा उसे डेयर मिलने वाला है, इसीलिए मैं अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये गेम खेल रहा था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि मैं हारने ही वाला हूँ। जो डर था वही होता है, मैं फर्स्ट नहीं आता हूँ। और गेम के रूल के अनुसार बस फर्स्ट को डेयर नहीं मिलेगा। अब देखो डेयर कैसे लेना है, जो फर्स्ट है वो सेकंड को डेयर देगा, जो सेकंड है वो थर्ड वाले को डेयर देगा, जो थर्ड है वो फोर्थ वाले को डेयर देगा। चलो आप कौन सा डेयर दे रहे हो उसको? तो भाई इनकी फ्रेंड है जो मेरे को नहीं जानती है, इनके साथ ट्रैवल कर रही है, इनकी फ्रेंड का मुझे नाम पूछना है, ये मुझे डेयर मिला है इनके तरफ से। लेकिन सीट के पास आने के बाद कुछ टाइम खड़े रहता हूँ क्योंकि चलती ट्रेन में एक अनजान लड़की से नाम पूछना इज नॉट an easy टास्क। भाई मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया। खैर कुछ भी हो, मेरा डेयर कंप्लीट हो गया। भाई अब मेरा चांस है डेयर देने का, मुझे डेयर दे रहा है इनको। तो मैं इनको ये डेयर देता हूँ कि इनको किसी पैसेंजर से जाकर उनका नाम पूछना है और ये भी पूछना है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो भाई अब इनका चांस है, इनको डेयर देना। बताओ आपका डेयर क्या है? भाई को डेयर मिलता है ये, अंजन लड़की के सामने जाकर उसको रोमांटिक वाला गाना गाना पड़ेगा। ओ भाई आज ट्रेन में झगड़ा होने वाला है। अब भाई का चांस है, ये नहीं कर रहा, दे दो नॉर्मल सा डेयर दे दो। चले गाना सुना दो भाई, इससे तो सस्ता कोई डेयर मिल ही नहीं सकता। चल गाना सुना। धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें कितना है जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, शाम ही तो काम ही तो तेरे बिना सनम, चैन ही तो तेरे बिना सनम। ओ भाई तालियां। इस गेम की वजह से सिर्फ हम नहीं हंस रहे थे, सारे को पैसेंजर्स के चेहरे पे मुस्कान था और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। रात को 7 बजे हमारी ट्रेन पहुंचती है विशाखापट्टनम। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। अभी हम लोग पहुंचे भाई विशाखापट्टनम, सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको भी चाहिए खाना? लेकिन वापस देना पड़ेगा भाई। और इस तरह से डे 3 की समाप्ति होती है। अगले दिन इस भाई को पता नहीं क्या हो जाता है, ये बिना मुझसे पूछे मेरे लिए नाश्ता ले आता है और कहता है आपको खाना ही पड़ेगा। और जब मैं इसका नाश्ता कर लेता हूँ ये बहुत खुश हो जाता है। ऐसे आज वो दिन था जहाँ हमें एक दूसरे को अलविदा कहना था। मैंने ना सबसे एक कॉमन सवाल किया, आखिर वो अपना घर छोड़कर इतना दूर क्यों जा रहे हैं? तो सबका जवाब आया जॉब करने। वैसे ये मेरे साथ अपना एक टैलेंट शेयर करती है और कहती है कि अगर मैं कर लूंगा तो ये मुझे एक चॉकलेट देगी। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझसे ना हो पाया, मुझसे क्या किसी से भी नहीं हुआ, जबकि ये बड़े आराम से कर पा रही थी। खैर कुछ टाइम के बाद आगमन होता है ये दीदी का, जिनसे मैं ये कार खरीदता हूँ। और ये कार दिखाकर मैं सबसे पूछ रहा था, भैया बैठेगा क्या? अच्छा डिस्काउंट करेगा, 1 किलोमीटर का 5 रुपया, 1 किलोमीटर का 10 रुपया। नहीं बैठेगा? आप बैठेगा? भाई मैंने गाड़ी लिया कि बिजनेस करूँगा, ट्रेन में कोई मेरी गाड़ी में नहीं बैठ रहा है। अच्छा 1 किलोमीटर का 2 रुपया, कोई तो बोलो। अंकल 1 किलोमीटर का 2 रुपया। भैया मेरी गाड़ी में बैठना चाहेंगे आप? 100 रुपीज 1 किलोमीटर। वैसे मैं अपना बिजनेस कर ही रहा होता हूँ, तभी मुझे दिखता है कि हमारे कोच में कुछ पैसेंजर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं डर से अपना बिजनेस बंद करके चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाता हूँ। खैर फाइनली 2:30 में ये लोग अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और फिर करीब रात को 7 बजे ये दोनों दीदी और ये भाई भी अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। पूरा ट्रेन खाली हो गया, लगभग सारे लोग उतर गए यार। जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो उस टाइम भी अपने कोच में अकेला ही था, और अब जब ट्रेन को बाय बाय बोलने का टाइम आया है तो इस टाइम भी अपने कोच में अकेला ही हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारा लाइफ भी ट्रेन जर्नी की तरह है, जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। खैर रात को 2 बजे फाइनली मेरी ट्रेन पहुँचती है कन्याकुमारी। वेलकम टू कन्याकुमारी भाई। करीब 80 घंटे का जर्नी करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ कन्याकुमारी में। भाई ऐसे तो देखो आज मेरा 5वां दिन है, मैंने 17 तारीख को ट्रेन बोर्ड किया था और आज है तुम्हारा 21 तारीख, तो करीब 5 दिन हो जाते हैं, बट ऐसे 4 दिन मान के चलो। जब मैं ट्रेन बोर्ड कर रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था, बट फाइनली आई डिड इट। और पता है फुल ऑफ एनर्जी हूँ, ऐसा नहीं कि एनर्जी मेरा घटे, अभी मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ। अभी भी कोई भी ट्रेन जर्नी कर सकता हूँ। वैसे कुछ टाइम इस टेबल पर ही बैठा रहता हूँ, फिर जब नींद आने लगती है तो मैं डॉर्मेट्री ऑफलाइन बुक करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ऊपर आकर देखता हूँ तो सारा डॉर्मेट्री बंद पड़ा था। सोचा डॉर्मेट्री ले लूँ बट कोई है ही नहीं। मैं ऑनलाइन बुक कर रहा था तो अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, अवेलेबल कहने का मतलब बुकिंग सर्विस नॉट अवेलेबल दिखा रहा था। सोचा ऑफलाइन बुक हो जाएगा, नहीं हुआ। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हाँ इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। दीपक एक्सप्रेस थी और डिब्रूगढ़
जी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जी बड़ी लॉन्ग जर्नी थी और पानी नहीं उसमें और फैन नहीं चल रहे, इतनी कंप्लेंट्स की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतना ज्यादा एक टाइम पे रश अंदर भर गया और ना ट्रेन के तो बड़ी मुश्किल सफर होते हैं अगर इस तरह के सफर हो जाए तो। उसके बाद अच्छे इनको मेरे के साथ लूडो खेलते खेलते और गपशप लगाते इनका सफर हो गया, लेकिन कहने में आसान लगता है लेकिन 4-5 दिन ट्रेन में उन्होंने किया होगी ऐसी ट्रेन में। जी दैट्स व्हाई वी वाज रिकमेंडेड कि आप बिजनेस क्लास में ले, आई मीन फर्स्ट क्लास इज द बेस्ट वन। ओपे होते हैं कौन से होते हैं जी मैंने होते हैं हाँ जी। और बाकी इनके साथ ही ना गुड ये ना लगा कि दोनों सीटिंग की सीट दे दी है, मैं तो स्लीपिंग बोले चाहिए थी तो वहाँ में इनको वो भी बता दिया था। बाकी भी अच्छी सी वीडियो थी, अच्छा लगा जी भाई ने, अच्छा सिंपल बिल्कुल ना नेचुरल टच सर ट्रेन का और चीजेस का अच्छा था सारा ओवरऑल अच्छा था। बस ज्यादा इन्होंने ये नहीं बताया कितनी टिकट्स लगी, कितने उनके ऊपर चार्जेस, खाने पीने का ज्यादा नहीं दिखाया कि दोपहर का है सुबह में रात में क्या खाना खाया जा रहा है ये भी नहीं। बस ज्यादातर अपने वो ग्रुप बने उसमें खेलते हुए बातें करते हैं बस ऐसे दिया सुना मस्ती में काम करते ना उसी में टाइम को ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जो लास्ट डे था वो इनको अलग था क्योंकि शुरू में भी अकेले आए तो एंड में भी अकेले ही थे ना, इसलिए सारे चले गए थे ना ये 2 बजे पहुंचे थे ऐसे ही है जी। जी जनाब तो जबरदस्त जर्नी जिसने हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल ऐसे ही था। बड़े क्यों नहीं है स्लीपर ये सही ट्रेनों में ना पानी और वॉशरूम में बड़ा मसला होता है, बड़े क्यों ये सारा ना रेलवे वाले को ना सारा फर्स्ट क्लास में ध्यान रखा होता है इनका, ये जनरल और ये स्लीपर में इतना नहीं होता इनका। हालांकि इतनी इनकी ट्रेन रैंक देखा कितना अच्छा कर दी है 1.54 मिलियन और कहते हैं इससे भी ज्यादा लोग अटैच है, ये तो चलो एक दो सर्वे है जिसमें इसके अलावा भी रेलवे से बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया तो उस पर तो फिर इनको बहुत ज्यादा काम और भी करना चाहिए जी। तो पानी बिजली पंखे छतों का और खाने का और सारा सफाई सुथराई का तो बहुत करना चाहिए जी। आप अभी तक के लिए इतना ही, इसी तरह की जबरदस्त वीडियो लेके फिर से आते हैं। बाकी कुछ चीज हो सिंगिंग में बड़े अच्छे गाने गाए वाले बहुत अच्छे थे। बाकी उन्होंने यही इशू भी उठाया था, कहते कि वो ना मांगने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेन में वो चढ़ा देते हैं और ये बात भी ठीक है, इसको भी रोकथाम होनी चाहिए। मैं जल्दी अपनी ट्रेन की फर्स्ट क्लास की बुकिंग करने के साथ मिलते हैं।